दोस्तों अपना शिमला पार्ट टू शुरू हो गया है, गाड़ी पार्क कर दी है और अभी बढ़ रहे हैं अपने होटल की तरफ। चलिए ये देखिए गाड़ी वहाँ खड़ी है अपनी, और अभी सामान सामान ले लिया अपना और बढ़ेंगे अभी। चलो वो जा रहे हैं मंजीत भाई। एक्चुअली यहाँ पार्किंग की बहुत समस्या है, तो इसलिए पार्किंग अपनी थोड़ी सी नीचे हुई है, गाड़ी वहाँ थोड़ी दूर खड़ी है और होटल अपना थोड़ा ऊपर है। उसका भी एक प्रॉपर टूर आपको दूंगा। हाँ, अपने मंजीत भाई आगे चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा व्यू है, मज़ा आ रहा है, मतलब कुल मिला के ऊपर है, काफ़ी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। हेलो बोलो उधर, हेलो ओके। दोस्तों अगर प्राइम लोकेशन पर होटल लोगे ना तो इतनी चढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत खतरनाक चढ़ाई है। अपना होटल मॉल रोड पे है एकदम, रुक रुक के चढ़ाई करने हैं। मंजीत भाई खड़े हैं और वो देखो ग्रीन बिल्डिंग दिख रही है, उसके पास में ही अपनी गाड़ी खड़ी है, वहाँ से पार्क करके गाड़ी, और देखो इतनी ऊँचाई पर आए हम लोग ऐसे घूम घूम के। और ये देखो सीनू कैसी फीलिंग आ रही है? फीलिंग तो अच्छी है बट बच्चे के साथ मुश्किल है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा हाँ थोड़ा सा है, लेकिन अगर ऐसा व्यू चाहिए सीधा डायरेक्ट होटल से तो थोड़ा है मुश्किल, बाकी एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। आप लोग भी एंजॉय करोगे, देखो मेरे पीछे देखो व्यू देखो नक्शू, ये देखो नक्शू का बैग देखो पीछे छोटा सा, ये बैग भी लेके चल रहा है ऊपर। आ जाओ आ जाओ, पानी की बोतल आ जाओ और इसके खाने का सामान। ठीक ठीक आ जाओ। तो ये है सब दोस्तों, छोटी सी मार्केट शुरू हो गई है और ये देखिए व्यू, इसमें बता रहा था आपको। अभी खाने पीने की चीज़ें शुरू हो गई हैं, चले मंजीत भाई ऊपर 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 ऊपर। अच्छा इधर ही है ओके। चलो दोस्तों अपना होटल आ गया है, ये देखिए, और ये है ग्रैंड होटल। चलिए भैया एंट्रेंस कहाँ से? ग्रैंड होटल इधर से ना जी। और ये रिसेप्शन है, आपने सामने नजर आ गया, ये इधर है ना स्वागत कक्ष, ये देख लीजिए। और उधर से अपने फैमिली आ रही नक्शे वाले, बट अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा एडवेंचर्स हो गया। चलिए अंदर जाके बात करते हैं। बाहर से एक लुक दिखा देता हूँ दोस्तों अपने होटल का, देख सकते हो आप, एक ग्रैंड होटल है शिमला का। मॉन्कीज बहुत सारे हैं यहाँ पर, उधर ही बैठे हैं, ये देख लीजिए ब्यूटी ऑफ शिमला। चलो जी चलो आगे बढ़ो। दोस्तों अभी शाम को मॉल रोड आपको दिखाते हैं, और देखिए आप शिमला की ब्यूटी देखिए, और वो आपको बहुत दूर दिख रही होगी जाखू टेंपल, हनुमान जी की मूर्ति है वो देखिए, कल सुबह आपको उसके भी दर्शन करवाए जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में आप ज़रूर देखेंगे इसको। और चलिए ये अपना होटल है, देख सकते हो बहुत बड़ा होटल है, ग्रैंड होटल है जी शिमला में, काफ़ी किफ़ायती है और रहने लायक भी है, और इसमें रेस्टोरेंट भी है एक। ये देखिए अभी मॉल रोड की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पर अपनी वायरलेस माइक की बैटरी हो गई ख़त्म, तो बहुत सारी इंजॉयबल मोमेंट्स थी जिसमें वॉइस नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे दी जाए वॉइस ओवर करके। तो जैसे कि मैं बता रहा था ये अपने ग्रैंड होटल में ही रेस्टोरेंट है, तो हम एक व्यू देखने आए थे इसका कैसा है, काफ़ी अच्छा होटल है ये भी, काफ़ी बड़ा है, लेकिन सही बताऊं आपको जो क्वालिटी है खाने की वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हमने यहाँ पर खाना खाया था, हमने एक्चुअली खाना रूम पे ही मंगवा लिया था, तो ठीक ठाक है, आए तो आप ले सकते हैं 10 बजे तक। रेस्टोरेंट से निकल के आगे बढ़ते हैं तो देखिए
अपने होटल से ही पूरा व्यू देखना शुरू हो जाता है, क्योंकि अपना होटल जो था मॉल रोड पे ही है और यहाँ से अपना पूरा जो भी अट्रैक्शन है मॉल रोड की मेन, सीधे डायरेक्ट आपकी वहीं एंट्री हो जाती है। जो मेरे अभी पीछे आप देख रहे हैं ये अपने गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं जो मॉल रोड पे बने हुए हैं। यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्वार्टर्स हैं। जो अपने शिमला की मेन मेन बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादातर मॉल रोड पे ही हैं। और ये देखिए आप रौनक देखिए मॉल रोड की, देखते ही बनती है। काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर, और आप लोग भी अगर शाम के टाइम पर मॉल रोड पर आते हैं तो अलग ही नज़ारा मिलता है यहाँ पर देखिए। और ये मतलब काफ़ी मज़ा आया है यहाँ पर। अब दोस्तों ये तो मुझे अभी आइडिया नहीं आ रहा कि मैंने क्या क्या बोला था, लेकिन मस्ती पूरी चल रही थी। थोड़ा बहुत जो याद है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे अपने सामने देख रहे हो ये अभी पुलिस वाले हैं जो मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा कोविड को लेकर सतर्कता बरती जा रही थी कि मास्क ऊपर करके चले, ये सबको हिदायत दे रहे थे और हमने भी मास्क ऊपर कर लिया और आगे बढ़ने लगे। ज़रूरी भी है थोड़ा सा दूसरे की भी सेफ्टी रही, अपनी खुद की भी रही। तो देखिए वो पीछे बाबी जी ने रुमाल गिरा दिया तो वीडियो की वजह से वो मिल गया, नहीं तो गुम ही हो जाता। तो यहीं पर बाबी जी बोल रही है कि थैंक यू और वीडियो का फ़ायदा भी हो गया। तो इसी तरह की बस मस्ती चलती रही और आनंद लेते रहे। चलिए आपको आगे की भी रौनक दिखाता हूँ, काफ़ी सारी रौनक थी आगे बढ़ने पर, और कुछ चीज़ें अभी नई भी हुई हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और जो ये अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर मेयर ऑफिस है, जो बिल्कुल एक तो मेन अट्रैक्शन बनता है इस ऑफिस का, और बिल्कुल जो मेन सेंटर पॉइंट है मॉल रोड का वहाँ पर सिचुएटेड है ये। अभी आपको बिल्कुल पास से भी दिखाऊंगा। और आज नक्सू तो थक ही नहीं रहा था, फुल इंजॉय कर रहा था, फुल मिला के काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा था। ये है वो मेयर हाउस जो मैं बता रहा था आपको, ये अलग अलग डेकोरेशन कर रखे नीचे लाइटें लगा लगा के। देखिए एक जगह थोड़ी सी खाली मिली तो हमने शिमला शहर की ब्यूटी के साथ फ़ोटो खिंचवाए, और बाबी जी और मंजीत आज बहुत खुश हैं क्योंकि इनकी सालगिरह है, उसका भी जश्न होगा। छोटी सी एक पार्टी रखी है हमने, वो भी मनाएंगे, आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगी। शिमला के मॉल रोड की सबसे बड़ी अट्रैक्शन मानता हूँ मैं जिसको, वो है अपना तिरंगा, बड़े शान से लहरा रहा है। इसके साथ हमने भी फ़ोटो वगैरह खिंचवाए थोड़े बहुत, वो मैं एक तो शेयर करूँगा आपके साथ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आपको मैं मेन मेन पॉइंट दिखाता हूँ। ये एक राउंड राउंड रेस्टोरेंट है मॉल रोड पर ही है, आप किसी पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो आपको ये कश्मीरी ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाने वाले बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और मॉल रोड पे ही अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी आपको, ये देखिए स्टैचू बनाया है। और ये जैसे सबको पता ही एक बहुत अच्छे कवि थे, तो इन्होंने कुछ यहाँ कोट्स भी लिखे हुए हैं इनके बोले हुए, इनके बनाए हुए, तो ये भी देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी लग रही है, थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा करती हैं। मॉल रोड पे बनी हुई इस चर्च का तो आपने बहुत बार जिक्र सुना होगा, ये भी मेन अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ का, एंड इट गिव्स ए प्राउडनेस इन आवर हार्ट्स। और नक्सू ने पूरा एंजॉय किया यहाँ पर दौड़ दौड़ के। यहाँ पर एक्चुअली प्राइवेट व्हीकल्स या व्हीकल कोई भी हो प्रोहिबिटेड है, कोई आता नहीं है, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। ये देखिए आप देख भी रहे हैं, बहुत इंजॉय किया से। यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। और थोड़ी सी कॉफ़ी पी ली जाए, काफ़ी साल पहले आया था मैं तब तो ये स्टॉल नहीं थी, लेकिन अब मॉल रोड पे स्टॉल मिल जाती है। और यहाँ का टेम्परेचर अभी लगभग 6 डिग्री हो रहा है, कॉफ़ी का टेस्ट ठीक ठाक है, मशीन वाली कॉफ़ी है ये, और आपको 40 रुपीज़ में मिल जाती है। ऊंचाई होने के कारण थोड़ा रेट ज़्यादा रहता है यहाँ पर।
और यहाँ पर अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा भी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इन्होंने अपने दिल की मन की कुछ बातें भी बोली थी जब ये आई थी पहली बार, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखी हुई। और अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये है जी हवा घर, और इसके ऊपर से जो मॉल रोड का लुक आता है गजब है जी, पूरा मॉल रोड क्लियर नज़र आता है। मैं ऊपर जाके भी दिखाता हूँ अभी आपको। हवागर की तरफ बढ़ते हुए ये कुछ कोट्स मेरे को नज़र आए, हिस्ट्री से रिलेटेड है, जब हिमाचल प्रदेश बना था और महात्मा गांधी जी यहाँ आए थे तो तब के कोट्स हैं, आप स्क्रीन शॉट लेके पढ़ सकते हैं। हवाघर से मॉल रोड का नज़ारा बहुत ही प्यारा लगता है, आप लोग देख ही रहे हैं, काफी अट्रैक्टिव। दोस्तों सालगिरह का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है, केक कटिंग करेंगे और आपको वो भी शेयर करूंगा, सारी भी दिखाता हूँ फोटोज वगैरह। और जो ये रूम देख रहे हो इसका टूर मैं सुबह आपको दिखाऊंगा, और अभी चलो कटिंग करते शुरू। हाँ हाँ बोट लेके आओ, बोट हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। पर अब जो होता है वो